एक्चुअली एक्साइटमेंट तो ऑफकोर्स बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. लास्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं किया था बिकॉज शी इज़ जस्ट 1 ईयर ओल्ड. तो एक साल का बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता है. सो आई वॉज ऑलवेज इन दैट थिंग दैट मैं शायद सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी. एंड हियर इज़ शी इज़ ऑलरेडी 2 एंड वी आर सेलिब्रेटिंग हर सेकेंड बर्थडे. सो आई एम ऑफकोर्स वेरी एक्साइटेड एंड ऑफकोर्स वेरी हैप्पी. Yes. Oh, she's a very, very loving baby. सब बच्चे loving होते हैं, daughter specially loving होती है. But हर रोज़ एक ना एक moment ऐसा ज़रूर होता है where she makes me feel special. तो मैंने अपने Insta पे भी एक video upload किया था where she is feeding me fruits. तो अगर गलती से इसके सामने fruits लेकर आते हैं हम लोग इसके लिए, सो शी फीड मी दैट फ्रूट, मतलब वो मुझे खिलाया जाता है फ्रूट, ये नहीं खाती है. एंड ऑफकोर्स आज सुबह में यू नो शी वॉज जस्ट पुटिंग माई हेयर ऑन साइड फ्रॉम माई फोरहेड विच इज़ सो क्यूट. सो शी इज़ अ बंडल ऑफ लव, शी इज़ बंडल ऑफ जॉय. मोर देन दैट आई डोंट नो, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट हर. मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है इनको, आई डोंट नो, सम प्रोमिसज मे बी, क्योंकि अगर गिफ्ट दूंगी तो वो कम पड़ जाएगी. तो कुछ ऐसे प्रॉमिसेस जो शायद ज़िंदगी भर रहे हैं हमारे साथ, इनके साथ. ओके, टीवी पे कौन-कौन आ रहे हैं? काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जो काफ़ी सारे लोग नहीं भी आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, देयर ओन पर्सनल रीजंस. बट मैंने कोशिश तो यही की है जिन जिन के बच्चे हैं उन सबको इन्वाइट करूँ बिकॉज यहाँ पर वी हैव क्रिएटेड समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर किड्स. दे वुड हैव रियली अ लॉट ऑफ फन. तो लेट्स सी अब कौन कौन आता है, कौन कौन टर्न अप होता है. आई गेस यू गाइस हैव टू वेट फॉर दैट. शी इज़ वेरी नॉटी, शी इज़ वेरी नॉटी. शी इज़ नॉट नॉटी एज अ डॉटर, शी इज़ नॉटी एज अ बॉय. सो शी इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल, शी इज़ वेरी नॉटी. एंड शी हेट्स व्हेन आई टॉक टू एनी बडी ऑन द फोन. तो इनके सामने फ़ोन पर बात करना बहुत मुश्किल है. यूजली तो मैं सारा वक्त इसी के साथ रहती थी पहले, बट पिछले एक आध महीने से थोड़ा अब काम में ज़्यादा टाइम दे रही हूँ. तो मेरे ख्याल से दिन में 4-5-6 घंटे आई एम विथ हर. एंड इवन इफ आई एम नॉट विथ हर, आई एम वर्किंग फ्रॉम द हाउस ओनली. तो इन दैट वे ऑल्सो आई एम नेक्स्ट टू हर, आई एम अराउंड हर. सो आई एम ऑलमोस्ट विथ हर आई गेस. अरे वो गुस्से होती है तो मतलब पूरी दुनिया को पता लग जाता है. चीज़ें फेंकती उठा के, अपने बाल नोचती है, चिल्लाती है, ज़ोर से मार पड़ती है हम लोगों को जब गुस्सा होती है. तो
बट शांत भी बहुत जल्दी हो जाती है. बट यस, शी इज वेरी नॉटी. शी इज वेरी नॉटी. शी इज अ ड्रामा क्वीन. Oh my god, she loves cameras. शायद ऐसी quality है इसमें मेरी. And she's a drama queen. वो भी quality शायद मेरी कहीं ना कहीं से मेरी आई होगी, I'm sure. I don't know कहाँ से आई है. But she loves fragrances and makeup. मतलब अगर मॉल में ऐसे ले जाओ जहाँ पर बच्चों का काउंटर होता है, बच्चों का सेक्शन होता है, वो वहाँ पर नहीं जाकर परफ्यूम स्टोर्स में चली जाती हैं. तो उसको कॉस्मेटिक्स और मेकअप बहुत पसंद है. ओके से बाय. ओ यस यस, दो तीन इंग्लिश सॉन्ग्स हैं जो इनके फेवरेट हैं. बट शी डजंट टॉक मच, शी इज लर्निंग टू टॉक. ओके, आखिर में आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी भी आने जा रहा है. यस, बहुत सारे लोगों के घर में गणपति आ रहे हैं. आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट देम, बहुत अच्छी बात है. आपके बिलीफ्स और आपका जो बिलीफ है आपको कहीं ना कहीं शक्ति देता है, पावर देता है. एंड हर किसी के बिलीफ सुरक्षित रहें आई वुड से. लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एनवायरनमेंट को भी देखते हुए सोचें तो विसर्जन अगर आप घर में कर सकें तो दैट वुड बी रियली गुड, रियली गुड. एंड ऑफकोर्स आई विश एवरी वन अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. एंड ऑफकोर्स मेरे फैंस के लिए लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं मेरे फ़ैन हैं. I'm so blessed to have you guys around. Thank you. Surprise तो पता नहीं, but I'm doing a film जो शायद अगले साल रिलीज हो जाएगी, प्रस्थनम. And yeah, I'm kind of making a comeback in acting. Comeback as in I was always around, but I was not working. So I'm just kind of making a comeback with Prasthanam and hopefully followed by other films or serials, however. Thank you. Thank you.
चाय पीने वाले हैं। हाँ जल्दी से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। चाहत मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त रही है, हमने साथ में काम भी किया है एक तेलुगु फिल्म में साथ, और बैंकॉक में खूब सारी मस्तियाँ लूटी हैं तब से लेकर आज तक। आई थिंक ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखकर आज जब मैं उसे उतनी उसकी दो बेटियों के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड दिल से यही दुआ करती हूँ कि जौहर उसका सेकेंड बर्थडे है, वो उसे बहुत सारी खुशियाँ मिलें। मासी की तरफ से ढेर सारी दुआएँ हैं कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई भी रुकावट ना आए, उसे हर वो चीज़ मिले जो वो चाहती है। बहुत ही नेक बच्चा है, आपने देखा होगा उसकी बर्थडे सितंबर में पड़ती है और मेरी बर्थडे अगस्त 31st। तो मैं अक्सर चिढ़ाती हूँ चाहत को कि तुझे एक और दोस्त मिल गई है बेटी के रूप में, बिकॉज मेरी और चाहत की बहुत अच्छी बनती है। तो मैं उसे बोलती हूँ वो भी वर्गो है, मैं भी वर्गो, हम दोनों वर्गो मेट्स बनेंगे, जल्दी से बड़ी हो जा जौहर। तो अभी से बच्चा बहुत रिसेप्टिव है, कैमरा शायद बिल्कुल नहीं है, आपने इंटरव्यू लिया तो मस्त हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, मम्मा पे गई है, कैमरा शायद बिल्कुल नहीं है, अभी से कैमरा अपीयरेंस अच्छे से कॉन्फिडेंटली देती है। तो आगे भी बच्चा बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, रिसेप्टिव ऐसे ही बना रहे और अपनी माँ का सपोर्ट बना रहे। बेटियाँ वैसे भी माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं आगे जाकर, एंड आई एम श्योर जौहर तो बहुत ही अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। बेबी सिटिंग की है और बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा जो नेव्यू है ईशू, भाई का बेटा, उसे छोड़ के गए थे मॉम डैड बहुत कम, मतलब वो तो 6 महीने का था तब से उसे क्रेश में रखते थे और मुझे लगता था क्यों। तो मैं जब छुट्टियों के लिए गुजरात, मम्मी मेरी गुजरात में रहती है वापी में, तो मैं जब गई थी उनसे मिलने तो भाभी भी काम करती है, भाई भी काम पर जाता है, तो उन्होंने बोला आज तू घर पर, आज तू बच्चा संभालेगी। एंड आई कॉन्ट टेल यू, उसे दूध पिलाने के लिए इतनी मुश्किल से मैं दूध पिला पाई, बिकॉज वो जानता नहीं ना, बच्चा रोएगा आप उसे खाना दे दो ऐसा नहीं है कि वो आपके हाथ से खा लेगा। तो बहुत पेशेंस चाहिए, एक बहुत ऐसे फीलिंग चाहिए क्योंकि बच्चा आपका टच समझता है। तो उस दिन पूरे दिन रह के मैंने वो सब चीज़ें की तो मुझे समझ में आया हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बी अ मदर, एंड बहुत चैलेंजिंग काम है ऑफ बीइंग अ मॉम, इट्स अ फुल टाइम जॉब। एंड जब आप अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं और जब वो वहाँ सो जाता है तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, आई थिंक वो दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। इट्स द बेस्ट फीलिंग वन कैन एवर गेट। जौहर को मैं आज कोई गिफ्ट नहीं दूंगी, उसका ध्यान बटा हुआ है, लेकिन हाँ जब मैं उसे घर पे मिलने जाऊंगी तो मैं ऐसा कुछ दूंगी उसे, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, मुझे लगता है कि उसके पास पता नहीं कितने अनगिनत तोहफे आएंगे, लोग गोल्ड देंगे, लोग उसे कपड़े देंगे जिनमें वो आउटग्रो कर जाएगी, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो मैं कुछ ऐसी यूटिलिटी की चीज़ें दूंगी जो उसकी हॉबीज़ को निखार के लाए। हो सकता है कलर्स दे दूँ, हो सकता है कुछ एनिमल्स दे दूँ जिसके साथ वो जू जू खेल के एनिमल्स के नाम सीख जाए, तो समथिंग विच हेल्प्स हर ग्रो, आप दीजिए मौका, मैं तो वेट कर रही हूँ। एक एक्टर हमेशा प्यासा रहता है काम के लिए, लेकिन आई थिंक सही वक्त और उम्दा रोल, आप जैसे ही वो टाइमिंग मिलेगी ना, सही वक्त और उम्दा रोल, रिद्धिमा तिवारी वापस पर्दे पर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आएगी आप सबको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि आप तो जानते हो मैं अपने किरदार से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ यार। मैंने जौहर के लिए विश दे दी है, मासी उसे बहुत प्यार करती है और उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही अबंडेंस से भरी हो, से किसी चीज़ की कमी ना हो, और उसके यहाँ की जितनी भी कैंडीज़ हैं वो सब मुझे दे दे, यही दुआ करती है मासी। थैंक यू, क्योंकि मैंने आपकी शक्ल देख ली थी। चलो चलो वाइंड अप, चलो। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि गंगा देखते हैं। अरे
से बोल रहे हो? बाबा जी रुको यार, एक मिनट यार, हिलाओ मत बाबा जी, एक मिनट बाबा जी, एक मिनट, एक मिनट यार, वाइड ले रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अरे बाबा जी एक मिनट, एक मिनट बस, एक खत्म। हट गया पीछे,
Hey, what is Patka? Mobile. Mobile China, peace out. Idai, 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 idai. Shoulders to the left, your shoulders to the right. Laugh with me, that's what I just like to be with you. मेरी भी खुद की बेटी है, तो जब इनवाइट आया तो मैंने कहा चलो दोनों मज़े करेंगे, बेटी तो करेगी और मैं भी मज़े करूँगी। मेरी चाहत अच्छी दोस्त है और जौहर का सेकंड बर्थडे है, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। काफ़ी एंजॉय किया हमने, देखा पार्टी का। हाँ, आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? मेरी बेटी मन्नत एंजॉय कर रही है, तो उसके पीछे पीछे भागना, ये मत करो वो मत करो, वो एंजॉयमेंट ही होता है। सिर्फ गिफ्ट लाई है, आई डोंट नो, मैं बोल सकती हूँ गिफ्ट के बारे में? इट्स अ यूजेबल थिंग, बच्चा अभी पढ़ेगा, बड़ा होगा तो उससे बहुत काम आएगा। इट्स अ क्रिएटिव थिंग। मेरा काम मुझे बहुत, आई मिस माय वर्क। ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, हमने 12 साल काम किया है, लोग जानते हैं मुझे। इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, आप कभी आ रहे हैं, वी वांट टू सी दिल मिल गया सपना बैक, वी वांट टू सी जुगनी बैक। लेकिन जो प्रायोरिटीज़ होती हैं बच्चे के बाद, शादी के बाद नहीं, बच्चे के बाद, वो चेंज हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उसे देना चाहती हूँ। सी, एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बता सकता है आपको कि डे केयर में क्या हो रहा है, नैनी क्या कर रही है, देन यू आर फ्री। अभी शी इज़ वेरी स्मॉल, वेरी यंग, तो मैं उसको छोड़ के काम करूँ, आई कॉन्ट कॉन्सेंट्रेट। शी इज़ अ सलमान खान फैन और मैंने अरेंजमेंट कर रही हूँ कि वो सलमान खान से मिले। आप उनसे पूछिए हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, सलमान खान, उसे और कुछ नहीं पता। तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है कि अगर सलमान जी इनसे मिल लें, जबकि वो मेरे नेबर हैं, फिर भी हाँ मैं मिली हूँ, बट वो एक अलग, शादी के पहले जब काम के सिलसिले में, लेकिन ऐसे बात नहीं हुई है, लेकिन देखा है। लेकिन मेरी बेटी ने जब ये सॉन्ग सुने उनके, उसका फेवरेट सॉन्ग है दिल दिया गल्ला, वो गाती है, शी इज़ ओनली 3, और उसे सिर्फ सलमान खान से मिलना है, और वो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे मिलवा लूँ। okay, आपकी सीरियल कभी देखूँगी, आपने दिखाएगा आप मेरे भी सीरियल? मेरे सीरियल सब रिपीट आ रहे हैं, रिंग रॉन्ग रिंग आ रहा है, जुगनी मैंने देखा, वो देखती है तो शी इज़ लाइक हाउ कम यू आर इन द टी वी, वॉट आर यू डूइंग बेटा, आई मिस माय वर्ल्ड। मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे आई ऑफर्स, लेकिन वैसे जो मैं करना चाहती हूं, जो मैंने रोल्स किए हैं, मैंने कॉमेडी किया, मैंने नॉन फिक्शन किया, मैंने फिक्शन शोज किए हैं, वैसा मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। वेब सीरीज, या
सी अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज वो वाला जॉनर नहीं है मेरा, लेकिन या वेब सीरीज ही सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है ना सडनली कि फिल्म्स तो बाद में भी लोग चले जाते हैं लेकिन वो बैठे यूट्यूब ज़रूर देखते हैं, तो वेब सीरीज़ तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी और मैं कहानी लिख भी रही हूँ, वेरी सून मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी, पहले नहीं था, पहले हमें पता ही नहीं चलता था सेट पे 12 घंटे काम कर रहे कि हमें कितने लोग प्यार करते हैं, हम सब काम कर रहे हैं, एपिसोड डिलीवर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एपिसोड, आज डायरेक्ट फैन से आप बात कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, मैसेजेस पढ़ सकते हो, तो आज बहुत इजी आई फील। माय फैंस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, आई कीप गेटिंग योर मैसेजेस, आई हैव मेनी मेनी मैसेजेस, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, और जब मुझे लगेगा दिस इज़ फॉर मी, ये कैरेक्टर तो भाई मेरा ही है, यू विल सी मी। मैं जौहर को बोलूँगी हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू सो मच। हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरी वन, मेरी मॉम रखती है गणेश, तो हम वहाँ जाके पूजा करके आते हैं। मॉम तो पूरा बैंड बाजे से लेके आती हैं, और जब शादी नहीं हुई थी तब हम भी नाचते थे, फ्रेंड्स आते थे, खाने बनते हैं, इनविटेशन जाते हैं, लोग आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, पूजा भी होती है, तो बहुत मज़े का फेस्टिवल है। थैंक यू।